इस साल के होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए दौसा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर कौन होगा और कौन कौन दावेदारी जता रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं पांच नामों पर चर्चा करेंगे और ये भी बताएंगे कि सबसे मजबूत उम्मीदवार कौन सा है। तो पूरे वीडियो देखने के लिए एंड तक बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं पलक और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो पांच लोगों की लिस्ट में सबसे पहला नाम है डॉक्टर आरडी मीणा। उनके वर्तमान में डॉक्टर आरडी मीणा रामकरण जोशी गवर्नमेंट हॉस्पिटल दौसा में डॉक्टर के रूप में कार्य करता है, लेकिन पिछले कुछ समय से आरडी मीणा दौसा लोकसभा क्षेत्र में काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं और कांग्रेस की टिकट की दावेदारी भी जता रहे। ऐसे में ये साफ छवि के डॉक्टर आरडी मीणा को कांग्रेस पार्टी टिकट दे सकती है। दूसरा ये कि राजेश्वरी मीणा काफी समय से ईआरसीपी को नेशनल प्रोजेक्ट घोषित करवाने की मांग कर रही है। पूर्व राजस्थान में जब किसी बड़े नेता की रैली होती है तभी राजेश्वरी मीणा ईआरसीपी को नेशनल प्रोजेक्ट घोषित करवाने की मांग उनके सामने जरूर रखती है। राजेश्वरी मीणा दौसा लोकसभा क्षेत्र में लोगों के बीच काफी पॉपुलर है। इसके अलावा राजेश्वरी मीणा सोशल मीडिया पर भी काफी पॉपुलर और एक्टिव रहती है और इनका मेन मुद्दा ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवा है। और ऐसे में राजेश्वरी मीणा को भी कांग्रेस पार्टी टिकट देने सकती है। तीसरा सविता मीणा, ये दौसा के विधायक मुरारी लाल मीणा की पत्नी है और पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में दौसा लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर सविता मीणा ने ही चुनाव लड़ा था। इसके साथ साथ मुरारी लाल मीणा का दौसा के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव है। विधानसभा चुनाव में दौसा की पांच सीटों में से एकमात्र मुरारी लाल मीणा ही कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज कर पाए हैं। बाकी चार सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है और इसीलिए मुरारी लाल मीणा पूर्व राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाते हैं। ऐसे में मुरारी लाल मीणा एक बार फिर अपनी पत्नी सविता मीणा को कांग्रेस का टिकट दिलवा सकते हैं। अगला नरेश मीणा, ये युवाओं दिलों की धड़कन नरेश मीणा दो साल लोकसभा से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके। नरेश मीणा की पूरी राजस्थान में युवाओं के बीच अच्छी पहचान है। गुर्जर और मीणा समाज के युवा नरेश मीणा को खुलकर समर्थन करते हैं। पिछले साल नरेश मीणा छावड़ा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। वैसे हालांकि निर्दलीय के रूप में नरेश मीणा चुनाव तो नहीं जीत सके लेकिन 44,000 वोट प्राप्त कर चुके हैं। नरेश मीणा को अपार जन समर्थ मिला है और अब कांग्रेस को भी अपनी गलती महसूस हो चुकी है कि छावड़ा से नरेश मीणा को टिकट नहीं देना कांग्रेस की बहुत बड़ी गलती थी। इसलिए युवा नेता में उभरते हुए स्टार नरेश मीणा को कांग्रेस पार्टी दौसा लोकसभा क्षेत्र से टिकट दे सकती है। पांचवा ये कि नमो नारायण मीणा टोक सवाई माधोपुर से दो बार सांसद बन चुके हैं और ये नमो नारायण मीणा एक बार केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। हालांकि 2014 में दौसा से 2019 में टोक सवाई माधोपुर से नमो नारायण मीणा चुनाव हार चुके हैं, लेकिन एक बार फिर नमो नारायण मीणा दौसा लोकसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर नमो नारायण को दौसा लोकसभा क्षेत्र से टिकट दे सकते हैं। तो आपको क्या लगता है दौसा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस का टिकट किसको मिलना चाहिए? अपना विचार बताएं कमेंट बॉक्स में। वैसे आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल राजस्थान संवाद को। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यह आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक सी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे।
साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की बीवॉक डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगन इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।